मैं जानती हूँ आप आज भी तैमूर को उतना ही चाहती हैं जितना पहले चाहती थी। व्हाट? हाउ डेयर यू? और तैमूर भी आपको उतना ही चाहते हैं जितना पहले चाहते थे। मैं जानती हूँ मुझे बात नहीं करनी चाहिए, और शायद आप लोग भी अपने दिल में ये बात नहीं सोचते होंगे या एक दूसरे को कहने से डरते होंगे, लेकिन मैंने आप दोनों के चेहरे और आंखों में देखा है ये राज। आप लोग ये राज तो नहीं छुपा सकते। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मेरी वजह से आप दोनों आज एक साथ नहीं हैं। मुझे माफ करते। कम ऑन, ना तो तुम्हारी पहले ये हैसियत थी और ना ही आज कि तुम हम दोनों के दरमियान ताल्लुक खत्म होने की वजह बने। इसलिए ये खुशफहमी ना अपने दिल से निकाल दो। ये खुशफहमी तो बहुत पहले से मेरे दिल से निकल चुकी है। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तैमूर के दिल में, उनकी जिंदगी में मेरी कोई हैसियत नहीं। तुम यहां क्यों आई हो? तैमूर ने भेजा तुम्हें? अब क्या चाहता है वो मुझसे? मेरी जिंदगी तो उसने बर्बाद कर दी, अब क्या बिगाड़ना चाहता है? उसे कहो मुझे बख्श दे, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। जो खुश होते हैं वो दूसरों के सामने रोते तो नहीं, ना ही हाथ जोड़ते हैं। और रही तैमूर की बात, तैमूर नहीं जानते कि मैं आपसे मिलने आई हूं। मैं आपसे मिलने तैमूर के लिए आई हूं। मैं चाहती हूं कि आप दोनों एक हो जाएं। मैं तैमूर की जिंदगी में खुशी चाहती हूं, उन्हें मुतमईन देखना चाहती हूं, और उन्हें खुशी सिर्फ आप दे सकती हैं। इस बात के बारे में सोचिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों एक हो जाएं। मैं तैमूर की जिंदगी में खुशी चाहती हूँ, उन्हें मुतमईन देखना चाहती हूँ, और उन्हें खुशी सिर्फ आप दे सकती हैं। इस बात के बारे में सोचिएगा। पंजाबी, हमारी इतनी औकात कहाँ? वो मैं यहाँ पे अपनी एक दोस्त से मिलने आई थी, उसने मुझे बताया था कि ऊपर वाले फ्लोर पे एक रूम वाला अपार्टमेंट खाली हो रहा है, मगर वो भी बहुत महंगा है। मेरा तो यहाँ आना बेकार हो गया। गोल्ड है ना ये? गोल्ड नहीं, नहीं देखा, आप ही खा गई ना धोखा। सेल्समैन ने इतने महंगे दिए थे, कह रहा था कोई भी देखेगा ना धोखा खा जाएगा आपकी तरह। वैसे आर्टिफिशियल लग तो नहीं रहा। इसकी यही तो खास बात है कि आर्टिफिशियल नहीं लगता। खैर छोड़े, आप बताएं आप यहाँ क्या करने आई थी, किसी को तलाश कर रही हैं?
आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या जानना चाहता हूं? इसको जरा चेक कर लीजिए, ये हमारे कंपनी अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट है। कितना प्रॉफिट आता है जाता है, सब इसमें है। और इसी से हम आगे कारोबार करते हैं भाई। दो ढाई महीने में आपने इतनी बड़ी अमाउंट निकलवाई है, आपको पता है इससे क्या हो सकता है, इसका क्या नतीजा निकलेगा? आप कुछ अंदाजा भी है इस बात का? भाई मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आखिर ये रकम आपने निकलवाई किस लिए? आपने भेजा था अपनी बीवी को हमारे अपार्टमेंट? क्या किंसा? किंसा आई थी तुम्हारी तरफ? तो क्या उसे पता चल गया कहाँ है वो? घर चली गई या? खुदा के लिए सुहेल सांस ले ले, दिल ना बंद हो जाए आपका इस परेशानी से। तो मुझे बताओ किंसा कहाँ है, क्या कहा है तुमने उससे? क्यामत एक ना एक दिन तो आनी है। अभी आपके लिए अच्छी खबर ये है कि अभी के लिए क्यामत टल गई है। हेलो सुहेल, क्या हुआ, कहाँ चले गए हैं? हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं, पूरी बात बताओ सोनिया, हुआ क्या था? अभी पूरी बात छोड़ें और मुझे ये बताएं कि वो मेरी गाड़ी कब तक आ रही है। आपने कहा था ना कि इसी वीक आ जाएगी, जरा आप फोन करके पूछें तो सही। भाई इतनी जल्दी नहीं आती गाड़ी, मुझे पता है नेक्स्ट वीक ही आएगी। अगर आप फोन करके पूछ लेंगे तो कुछ चला जाएगा आपका। अच्छा भाई मालूम कर लेता हूँ, पता कर लेता हूँ कि कब तक आएगी गाड़ी। ये बताओ कि किंजा से तुम्हारी क्या बात हुई? जब तक आप पूरी बात नहीं सुन लेंगे ना आपको भी सुकून नहीं आएगा। बता क्यों नहीं देती, क्यों मेरा इम्तिहान ले रही हो? मुझे एक बात तो बताएं, अगर किंजा आप ही को ये सब पता चल गया तब क्या करेंगे आप? Thank you.